नमस्कार, प्रभास्वी की डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे व्रत में खाने के लिए आलू और साबूदाना से स्नैक्स, जो खाने में बहुत टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। प्रभास्वी की डिलीशियस रेसिपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम आलू। मैंने आलू को उबाल करके, छील करके और इसे कद्दूकस करके रख लिया है। आप चाहे इसे हाथों से भी मसल सकते हैं। और हमने एक कटोरी साबूदाना लिया है, आप देख सकते हैं ये सूखा साबूदाना है। मैंने इसे मिक्सर जार में पीस लिया है। जितना बारीक हो सके हमें इसे पीस कर इसका पाउडर बना लेना है। और हमने सेंधा नमक लिया है, ये हमें व्रत के लिए बनाना है इसलिए मैंने सेंधा नमक लिया है। एक छोटा चम्मच हमने जीरा लिया है। और हमने एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है। ये मैंने लाल मिर्च को घर में ही पीसा है, आप चाहे तो डालें। अगर इसको आप नहीं पसंद करते हैं तो काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच आप काली मिर्च पाउडर डाल लीजिए। एक बड़े चम्मच हमने हरी धनिया लिया है, इसे मैंने धो करके और काट करके रख लिया है। तो इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम फटाफट मिक्स कर लेते हैं। और ये आलू है, इसके अंदर साबूदाना डाल देंगे जो मैंने पीस कर रखा था, चिली फ्लेक्स, हरी धनिया और जीरा डाल देंगे। नमक डालना है हमें स्वाद अनुसार। एक छोटा चम्मच नमक इसके अंदर हम डाल देंगे। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स करेंगे। इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं ऊपर से, इससे ये डो हमारा अच्छे से चिकना हो जाए। और इसके अंदर हमें व्रत वाला तेल डालना है, मूंगफली का तेल, रिफाइंड ऑयल या फिर घी जो आप यूज करते हैं वही डालिए। देखिए आटा हमारा मिक्स हो गया और सॉफ्ट भी हो गया है। तो अब इसे हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इसकी छोटी छोटी गोलियां हम बनाएंगे। इतना छोटा या बड़ा आपको बनाना है उस हिसाब से आप इसे तोड़ सकते हैं। तो इसे हम एक शेप देंगे, आपको जैसा पसंद हो उस तरीके का आप शेप दे सकते हैं। हम इसे रेक्टेंगल शेप देंगे इस तरीके से। देखिए ये बनकर हमारा तैयार हो गया है। बहुत मोटा भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है, इस तरीके से हमें बना करके और तैयार कर लेना है। इसे हम प्लेट में रखते हैं और इसी तरीके से सारे स्नैक्स को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए फटाफट बन जाता है, बनाने में टाइम नहीं लगता है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और हमारे सारे स्नैक्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। और डीप फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है और इसके अंदर मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, क्योंकि हमें व्रत वाला ही तेल डालना है। आप मूंगफली का तेल भी डाल सकते हैं और घी डाल सकते हैं, जिसमें आपको तलना हो। तो तेल हमारा पहले अच्छी तरीके से गर्म हो जाना चाहिए। अच्छी तरीके से हीट आ रही है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम आंच को मीडियम कर देंगे और इसके अंदर एक एक स्नैक्स हम डालेंगे, जितना कढ़ाई में आसानी से आ जाए। मैंने कढ़ाई में स्नैक्स डाल दिए हैं। अब इसे हम 2 मिनट तक एक ही साइड में तलने देंगे, हमें बीच में इसे नहीं पलटना है। 2 मिनट हो चुके हैं, सारे स्नैक्स हमारे तलकर ऊपर आने शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब एक एक करके इसे हम पलट देंगे और दोनों तरफ से पलटते हुए हमें इसे क्रिस्पी और गुलाबी होने तक तलना है। सारे स्नैक्स को हम पलटते हैं। देखिए सारे स्नैक्स हमारे कितने अच्छी तरीके से फूल गए हैं और ये अच्छी तरीके से पक गए हैं। आप जितना डार्क या इसे लाइट करना चाहते हैं उस हिसाब से इसे तलिए। तो इसे थोड़ा सा और तल लेते हैं। ये सारे स्नैक्स हमारे तल गए हैं, हम इसे निकाल लेते हैं। इस तरीके से कलछी को किनारे करेंगे कढ़ाई में, जिससे इसका तेल निकल जाए। और उसके बाद इसे हम किचन टॉवल पर या फिर सोकिंग पेपर पर रख देंगे, जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल होंगे इसके अंदर आ जाते हैं। तो सारे स्नैक्स को निकाल लेते हैं और बाकी के स्नैक्स को भी इसी तरीके से हम तल लेंगे। हमारे सारे स्नैक्स तलकर तैयार हो गए हैं। ये गर्मा गर्म इसकी प्लेटिंग करते हैं।
बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो गए हैं व्रत में खाने के लिए। आप इसे बनाइए। मैंने इसे हरी धनिया, टमाटर, अदरक, नींबू और सेंधा नमक डालकर चटनी बनाई है, क्योंकि ये व्रत में हमें खाना है तो व्रत वाली चटनी हमने बनाया है। इसे किसी भी सॉस, केचप या फिर चटनी से हम नहीं खा सकते, इसे हमें स्पेशली व्रत के लिए ही चटनी बनानी होगी, तो मैंने इसे बनाया है। आप इस तरीके से इसे बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।